हाँ जी वो निर्दोष है, गंगा गंगा जल की तरह पवित्र है जी, वो ऐसे कुछ भी नहीं है जी, वो निर्दोष है, वो इतने बुजुर्ग है और वो संत है, उन्होंने हमारे को बहुत कुछ सिखाया है, उनकी वजह से हम बिल्कुल संसार में इतने अच्छे है, पवित्र पवित्र है। मीडिया बिकी हुई है इसलिए अदालत से फैसला जो है वह नहीं आ रही। मीडिया वकील क्या जो भी कोई है वो बिका हुआ है 100% बापू जी हमारी पूरी श्रद्धा है, बापू जी 100% निर्दोष हैं, पवित्र हैं। हमें ये बताया कि बापू जी निर्दोष हैं और उनके ऊपर कोई भी दोष नहीं हो, एकदम पवित्र हैं। किसी एक लड़की से कहने से कुछ भी नहीं हो जाता, हम सभी हैं, हम जानते हैं कि बापू जी कैसे, हम उनके सत्संग में आते रहे, वो हमेशा हमें अच्छी बातें ही सिखाते, कभी भी हमें बुरे रास्ते पे जाने को नहीं कहा है। अब मीडिया वाले झूठा प्रचार कर रहे हैं, उनको दोषी करार किया, वो गलत है बिल्कुल, वो निर्दोष होके जल्दी छूटेंगे। लेकिन कोर्ट ने माना है कि वो दोषी है, वो गलत है। कोर्ट भी अभी तो मीडिया और सब खरीदे जा सकते हैं पैसे के बल से, कुछ भी हो सकता है पैसे, सब आप भी झूठे कोर्ट भी झूठी है, छोड़ो।